नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु। मेरा नाम है सुधांशु। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक गेमिंग हब। आज के इस वीडियो में हमको बताने वाले हैं एक ऐसे प्लेयर के बारे में जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। हमने जब इस प्लेयर को पहली बार देखा था तो हम भी चौंक गए थे कि ये प्लेयर है कि क्या है। आज हम आपको उस प्लेयर के बारे में सब चीज़ बताएंगे और सीक्रेट बताएंगे कि वो प्लेयर ऐसा कैसे बन गया। तो सीधा सिंपली हम उसके टैग को सर्च करेंगे अपने प्रोफाइल में जाकर, सोशल में जाकर, सर्च प्लेयर में जाके हम उस टैग को बोलेंगे, लिखेंगे। मैं यहाँ पे टैग बोलता हूँ, आपको अगर सच में आप भी कर दीजिए P20GQOP। देख सकते दोस्तों, यहाँ से अगर आपको कॉपी करना है तो आप भी कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। मैं फिर से बोल देता हूँ P20GQOP। तो सिंपली हम सर्च का बटन दबा देते हैं। देख सकते दोस्तों, 62 लेवल का एक प्लेयर है जिसका खुद का क्लैन है क्रिम्सन कार्ड, और लेवल 1 का क्लैन है, मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। इस प्लेयर का नाम है एक्सामोट, और देख सकते हैं लेवल का एक्सपीरियंस है, वॉच सर्विस बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफाइल टाउन रेट के हिसाब से ठीक है, उतनी बुरी भी नहीं है। पैकअप भी सारे के सारे ड्रैगन और बाकी सब हो चुके हैं, और अब देख सकते हैं इसका अचीवमेंट भी बहुत सारे कंप्लीट कर चुका है, गोल्ड भी बहुत सारा, मतलब एक स्टार ले चुका है गोल्ड ग्रैब में। लेकिन दोस्तों, मेन चीज़ अगर हम जो हमको बताने वाले हैं, आप अंदर जब इसे विजिट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम इसे सिंपली विजिट का ऑप्शन दबा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, अभी आपको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन जैसे ही आप इसमें नोटिस करेंगे कि वहाँ पर सिर्फ एक ही वाला कलेक्टर है, एक ही गोल्ड मैन है, और यहाँ पे इसमें आर्मी कैंप भी सिर्फ दो ही है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। लेकिन जब आप इसमें थोड़े गौर से देखेंगे इस बेस को, ये बेस काफ़ी छोटा लगेगा। और दूसरी बात, इस बेस में आपको चार चीज़ें मिसिंग लगेंगी। एक तो दो एलेक्सा स्टोरेज, दो गोल्ड स्टोरेज, ये तो हो गई अलग की बात। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका डार्क का कोई ट्रूप खुला नहीं, तो डार्क कलर स्टोरेज तो होगा ही नहीं इसका। दूसरी बात जो है, अगर इसके इस प्लेयर के पास जब अगर बरैक्स है ही नहीं, देख सकते हैं बरैक्स तो है, लेकिन अगर आपके इसके पास अलग स्टोरेज ही नहीं है तो ये प्लेयर ट्रूप कैसे ट्रेन करता होगा। और ट्रूप इसने ट्रेन पहले भी कर चुके हैं, क्योंकि इसका अचीवमेंट आप देख सकते हैं, गॉब्लिन में भी इसने अटैक किया है, टाउनलेट भी इसने बिना अटैक कर तो कोई टाउनलेट कर नहीं सकता है। इसने अपने ड्रैगन भी अपने बैरक्स में खोल दिए हैं, यहाँ तक कि पैका भी खोल दिया, तो उसके लिए अभी अटैक करना ज़रूरी है, जो कि सिर्फ अलग शहर और गोल्ड से तो नहीं, लेकिन अलग शहर से ज़रूर होता है। तो दोस्तों, अब हम आपकी सच्चाई बताते हैं। आप जानते होंगे जब 2012 में क्लैश ऑफ क्लैन जब गेम रिलीज़ हुआ था सुपर सेल के द्वारा, तो जो कि जितने भी प्लेयर्स थे वो सारे अपनी टाउन को छोड़ के सारे के सारे बिल्डिंग को सेल्स कर सकते थे। सेल्स करने के बाद 2015 में जब टाउन 11 का अपडेट आया था, ये सारे के सारे चीज़ें जो हो गई थी बैन। और लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, जितने भी प्लेयर्स 2015 में बैन हुए थे उनके बाद से उनकी आईडी चलती नहीं थी। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी जो ये जो फॉर्च्यून ट्री है, ये सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स के उसमें आता है, आईडी में जाता है, जो कि जो प्लेयर्स ऑनलाइन होते हैं। और ऑनलाइन होने की ये मतलब है कि ये प्लेयर बैन नहीं हुआ है। तो ये प्लेयर अगर बैन नहीं हुआ है तो मतलब क्या, ये खेलता है? खेलता होगा तो फिर इसके में बैन कैसे नहीं हुआ, बैन क्यों नहीं हुआ, वो हमें तो बता नहीं सकते, सुपर सेल वाले ही जानते हैं। और तो देख सकते हैं, ना ही इसके पास वो बोट है जो हमारे सारे सारे लोगों के बेस में है, और इसके पास फॉर्च्यून ट्री भी है ना, इसके पास बिल्डर बेस है ना ही इसके पास सामने हमारी बोट है। अगर होता भी बोट तो शायद तक अनबिल्ड होता, मतलब कि टूटा फूटा होता। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स बताएं कि आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, किस तरह के गेम्स डाउनलोड करने हैं, आपको सारे के सारे बता दें। और तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, एंड कमेंट्स करना ना भूलें।